Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, welcome back to my channel. और आज है Saturday, तो happy Saturday और happy weekend सबको. कि Saturday Sunday है ना, तो थोड़ा सा late से हमारा morning जो है start होता है. वैसे ही हम लोगों के घर में भी होता है. तो अभी मैं ही उठी हूँ और कोई नहीं उठे अभी. तो मैंने थोड़ा बहुत मतलब fresh हो गई मैं, fresh कर लिया मैंने. अभी तक नहाया नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत काम मेरा बाकी है. क्योंकि रात फ्राइडे को मैंने कुछ किया नहीं था. मतलब होता है ना फ्राइडे नाइट थोड़ा लेजी लगता है, तो वही फ्राइडे को मैंने कुछ किया नहीं था. अभी दोनों सो रहे हैं, मैं अपना घर का काम कर लूँगी और उसके बाद मैं दोनों को उठाऊँगी. फिर मेरी मेड भी आ जाएगी क्योंकि 8 o'clock हो गया है. सैटरडे संडे वो थोड़ा लेट से आती है, उसको भी मतलब थोड़ा बहुत काम रहता है घर में. सैटरडे संडे बच्चे, उसके भी बच्चे रहते हैं घर में, तो थोड़ा लेट से आते हैं सैटरडे संडे. तो अभी 8 o'clock हो चुका है और मैं थोड़ा घर को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद दोनों को उठाऊँगी, फिर मेरी बेटी को मिल दूँगी और हम लोग चाय पियेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना. आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को. तो इसके लिए सबसे पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और साइड में जो बेल बटन आता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए. और हाँ, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा. तो अभी मेरा कुकिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है. उधर राइस बन रहा है मेरा और ये कुकर में मैंने चढ़ाया है कॉर्न को. जो कॉर्न मैं लेके आती हूँ दो, वो कॉर्न को मैं ऐसे कुकर में बॉईल कर लेती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, और उसके बाद इसको रख देती हूँ. इवनिंग के टाइम हम लोग इसको खाते हैं. और ये है न्यूट्रेला जिसको मैंने गर्म मतलब पानी में डाल के रखा है. ये एक्चुअली ऐसा करने से थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो इसी तरह से मैंने इसको रखा है. और यहाँ पे है थोड़ा सा कॉलीफ्लावर जिसको मैंने ऐसे ही न्यूट्रेला की तरह गर्म पानी में डाल के इसको छान लिया है. इससे क्या होता है ना, एक स्मेल होता है ना इस टाइम कॉलीफ्लावर का, वो भी चला जाता है. अच्छा फ्रेश हो जाता है थोड़ा सा गर्म पानी में डालने से, तो अच्छा लगता है. तो मैंने ऐसे ही डाला. और आलू मैंने कट करके रखा है यहाँ पे, तो कॉलीफ्लावर की सब्जी बनेगी. और एक चीज़ है वो है ये एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको, बिटर गर्ड है. तो इसको मैंने ऐसे ही गोल गोल कट करके थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी डाल के इसको गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लिया है. एकदम इसको मतलब बॉयल नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा मतलब एक मिनट, हार्डली एक मिनट के लिए मैंने रखा था और उसका पानी जो है मैंने छान लिया है. इससे क्या होता है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है ना, इसको अच्छे से क्लीन आप ऐसे पानी में करो तो नहीं होता है. तो इसको अगर ऐसे सॉल्ट और हल्दी डाल के अगर आप रख दो मतलब थोड़ा सा उबाल लोगे तो ये थोड़ा सा जो केमिकल रहता है वो सब निकल जाता है. और एकदम मैंने बॉयल नहीं किया है, देखिए एकदम बॉयल नहीं है. इसको अभी मैं फ्राई करूँगी. तो आज यही बनने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी कॉलीफ्लावर की सब्जी, तो इसके लिए कॉलीफ्लावर को मैं फ्राई कर लूँगी. कढ़ाई में मैंने तेल लिया है और तेल में मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी. इससे क्या होता है, कुछ भी सब्जी आप कढ़ाई में जब डालो तो तेल जो है ना वो बाहर निकल के आता है, तो ऐसे हल्दी डाल दोगे तो वो चीज़ नहीं होगी. और इसी तरह से मैं कॉलीफ्लावर को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी. और यहाँ पर मेरा बन रहा है करेला फ्राई. बिटर गर्ड को मैं फ्राई कर रही हूँ. ये थोड़ा सा क्रंची होता है फ्राई करने से, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी. और नहीं तो इसको बॉईल करके भी मैं खाती हूँ थोड़ा सा, एक मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में, मतलब पोटैटो के साथ इसको बॉईल करके ना एक साथ मिक्स करके, जैसे आलू चोखा बनाते हैं ना हम लोग, तो आलू चोखा के साथ ये करेला अगर आप मिक्स करोगे तो ये भी अच्छा लगता है. और इधर फ्राई हो रहा है कॉलीफ्लावर. तो आज की जितनी भी सब्जी है सब मैंने थोड़ा बहुत पहले उबाल लिया है उसको, सब्जी को, उसके बाद मैं उसको कुक कर रही हूँ. सैटरडे के दिन ऐसे ही होता है हमारे घर में, जो भी सब्जी बनता है थोड़ा मतलब वेज रेसिपी होता है ना, तो इसीलिए नॉर्मली जो हम लोग सब्जी बनाते हैं तो इस टाइप का ही बनाते हैं. और जो करेला मैं आज कर रही हूँ ये एक्चुअली इसका एक कारण है. जब आपको फीवर ऐसा कुछ होता है उसके बाद जब आपका मुँह का टेस्ट चला जाता है तब आप ना करेला अगर खाओगे आपका मुंह का जो टेस्ट है ना वो वापस आ जाता है. तो इसीलिए हम लोग आज बना रहे हैं करेला. अदरवाइज़ करेला इतना नहीं बनता है हमारे घर में क्योंकि कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन करेला खाना चाहिए. तो इसीलिए ज़बरदस्ती मैं जब भी वेजिटेबल का शॉपिंग करने जाती हूँ मैं लेके आती हूँ.
और मैं सबको खिलाती हूँ घर में, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। और ये फ्राई जो है ना, ये मेरे हस्बैंड को पसंद है तो इसीलिए आज फ्राई बन रहा है। अदरवाइज़ ये मैं ज़्यादातर मतलब बॉयल करके करती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे बेटी को मैं देती हूँ ना, तो थोड़ा सा बॉयल करने के बाद उसको राइस के साथ जब मिक्स कर देती हूँ तो इसका उसको इतना पता नहीं चलता है, लेकिन ये फ्राई वाला उसको मैं खिला नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए उसके लिए मैं बॉयल वाला ही करती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी। तो ये मेरा पोटैटो और गाजर मैंने ऐड किया है, और मसाला डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो कॉलीफ्लावर है उसको ऐड कर दूँगी, वही नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही मैं बना रही हूँ। और इसी तरह से बाकी की जो सब्ज़ी है न्यूट्रेला वो भी मैं बना लूँगी। तो इस तरह से मेरा जो कुकिंग है वो हो जाएगा। तो चलिए कुकिंग कर लेते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ न्यूट्रेला की सब्ज़ी। नॉर्मली सैटरडे को हमारे घर में न्यूट्रेला बनता है, क्योंकि इसका जो वेज रेसिपी होता है ये मुझे बहुत पसंद है। अदरवाइज़ इसको अगर थोड़ा सा ऑनियन या गार्लिक जिंजर डाल के अगर आप करो तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन वेज में ये बहुत अच्छा बनता है। मैं बिना गार्लिक या ऑनियन कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ इसमें, ऐसे ही मैं बनाती हूँ, थोड़ा बहुत सॉल्ट, हल्दी और जीरा पाउडर डाल के। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और मैं इसमें थोड़ा स्पाइस ऐड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी खाती है, तो तीखा इतना नहीं बनाती हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ग्रीन चिली इसमें ऐड करोगे तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ ग्रीन चिली के बिना भी ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। और आज मेरे हस्बैंड ले रहे हैं रोटी, साथ ही साथ मेरी बेटी को भी रोटी चाहिए। उसने बोला है पापा रोटी खा रहे हैं तो मैं भी रोटी खाऊंगी, तो वो दोनों रोटी खा रहे हैं और मैं खा रही हूँ राइस। अभी टाइम हुआ है इवनिंग 6:30 और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। मेरी बेटी ने ऑलरेडी मिल्क पी लिया है, और इसी तरह से हम लोग बैठ के थोड़ा बहुत बातें भी कर रहे हैं। मेरी बेटी बाहर नहीं गई है खेलने, क्योंकि बैंगलोर का वेदर बहुत ख़राब है, बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो वो घर पर ही प्ले कर रही है। और सैटरडे जो है हमारा इसी तरह से बीत रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि एवरी वीकेंड हम लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग घर पे रहते हैं, घर पे रह के थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं, क्योंकि पूरा वीक मेरे हस्बैंड को काम करना पड़ता है, मैं भी थोड़ा बहुत काम करती हूँ, तो इसीलिए रिलैक्स करते हैं। इधर मेरी बेटी जो है वो कैमरे के सामने अपनी डॉल लेके प्ले कर रही है, और आप देख सकते हैं कि चुपचाप बदमाशी करके वो हमारे पास वापस आ गए हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चला। जब बाद में मैंने देखा तो इस चीज़ को मैंने कट नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने रख लिया है कि आप लोग भी देखो।
तो दोस्तों मैं अभी बैठी हूँ मेरे झूले पे, जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि 3 मंथ से मैं इसको यूज कर रही हूँ। और ये एक्चुअली बहुत ही मतलब मेरे हस्बैंड का मेनली बहुत दिनों से उनका एक ख्वाहिश था कि ऐसा कुछ झूला हम लोग घर में रखेंगे, क्योंकि बालकनी में भी रख सकते हैं, लेकिन बालकनी में बाहर इतना डस्ट है, इतना मतलब धूल आता है ना, कि बालकनी में जो चीज़ ऐसा कुछ चीज़ हमको रखना चाहिए जो कि वॉशेबल हो। तो इसी तरह से झूला तो हम लोग रख नहीं पाते हैं, तो हमने कुछ सोचा है कि ऐसा कुछ झूला जो इन मतलब घर के अंदर हम लोग रख सकते हैं, तो वही हम लोग सोच रहे थे। फिर हम लोग गए थे मेरे एक फ्रेंड के घर, तो वहां पे हमने जाके देखा कि घर के अंदर उनके हॉल में एक झूला था जो कि मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। हम लोग होता ना, पहली बार देख के हम लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे उस चीज के ऊपर, तो हम लोगों ने तब से ठान लिया था कि हम भी हमारे मतलब लिविंग रूम में एक झूला रखेंगे। तो ये बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे, तो फाइनली हम लोगों ने ये झूला जो है परचेस किया ऑनलाइन अमेजोन से। एक्चुअली हम लोगों को व्हाइट कलर चाहिए था, तो इसीलिए हम लोग बहुत सारी जगह पे सर्च किए, उसके बाद फाइनली हम लोगों ने देखा कि अमेजोन पे व्हाइट कलर का झूला जो है वो मिल रहा है। तो हमने सोचा है कि और दूसरी बहुत सारी जगह पे जैसे अर्बन लैडर में है, अर्बन लैडर का जो झूला है वहां पे भी मिल रहा था, लेकिन वो ब्लैक कलर में था, व्हाइट कलर में नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोगों को अमेजोन में व्हाइट कलर का मिल रहा है तो हम लोग अमेजोन से ही परचेस कर सकते हैं। और ये झूले का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों 3 महीने से मैं इस झूले को यूज कर रही हूँ, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस झूले के बारे में, और कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अच्छी क्या बात है। अच्छी बात अगर बोलूं तो ये जो झूला है इसका जो कुशन कवर है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, और ये सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा है, हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। इनफैक्ट मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, कभी कभी ऑफिस से आने के बाद मेरे हस्बैंड भी बैठते हैं, तो ये सिटिंग एरिया तो बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ में मिला था हम लोगों को ये कुशन। एक्चुअली ये जो कुशन है इसका 2 ऑप्शन दिया गया था हमारे पास, मतलब जब हम लोग ऑनलाइन में इसका पिक देख रहे थे तभी हम लोगों ने देखा कि 2 टाइप का कुशन था। तो हम लोगों ने जब इसको मतलब ऑर्डर किया तब हमारे पास एक कॉल आया कि आपको कौन सा कुशन चाहिए, तो एक था ये सर्कल वाला और दूसरा था एक 3 पीस का जो साइड में मतलब साइड में 2 था और एक लॉन्ग मतलब थोड़ा लंबा था बीच का, तो वो एक टाइप का था। और ये एक टाइप का है जिसमें एक पीछे कुछ मतलब पिलो टाइप का दिया हुआ है और ये सर्कल सिटर। तो पिलो टाइप का जो कुशन आप देख रहे हो इसको मैंने यहाँ पे पीछे से टाई करके रखा है, जो कि ये मूव नहीं होता है, एकदम पिलो की तरह ऊपर ही रहता है, तो आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हो। तो ये तो रहा इसका सिटिंग एरिया, और अभी बात करते हैं इसके पीछे का जो स्टैंड है इसके बारे में। दोस्तों ये जो पीछे का स्टैंड है ये एक्चुअली इसके ऊपर पूरा जो झूला है डिपेंड करता है, इसके ऊपर पूरा झूला हैंग रहता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज है। तो अगर मैं इसके बारे में कुछ ऐसा जो चीज मुझे पसंद नहीं है ये बोलूं, तो आप यहाँ की जो स्टैंड है मतलब ये झूले का जो स्टैंड है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो स्टैंड है ये 2 पीस में है, आप देख सकते हैं ये जो सर्कल एरिया है ये सर्कल जो है वो एक 1 पीस है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिवाइड हो गया है, इसके ऊपर का जो स्टैंड है वो अलग से है। तो ये स्क्रू की मदद से हम लोगों ने इसको जोड़ के रखा है, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने ऑनलाइन इसको परचेज किया था, तो हम लोगों ने बोला था कॉल करके कि भैया ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है, तो हम लोगों ने फिक्स कर भी लिया है, तो ये थोड़ा मूव हो रहा है, तो हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि जिसके ऊपर ये पूरा झूला जो है डिपेंड है वो चीज मतलब थोड़ा मूव हो रहा है। तो हम लोगों को लगा था कि ये हम लोगों को थोड़ा इसका इसके बारे में पता करना चाहिए कि ऐसा सच में ऐसा है या कोई डिफेक्ट है इसमें। तो हम लोगों ने कॉल किया था जो जहाँ से हमने लिया था, तो कॉल किया था, उन लोगों ने बोला था कि हम लोग बोले थे कि भैया ये प्रोडक्ट हम लोगों को इतना पसंद नहीं आया है, हम लोग दूसरा कुछ सोच रहे हैं, तो आप इसको रिटर्न कीजिए। तो तब उन लोगों ने बोला था कि नहीं, रिटर्न तो नहीं हो सकता है, रिटर्न हम लोग करेंगे नहीं, और मतलब एकदम साफ उन लोगों ने बोल दिया था कि रिटर्न नहीं हो सकता है, बस और कुछ बात हुआ नहीं था। तो तब मेरे हस्बैंड ने अमेजोन में कंप्लेन किया कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं,
अमेजोन ने जब उन लोगों को बोला तब उन लोगों ने हाँ मतलब मेरे हस्बैंड को कॉल किया और कॉल करके बोल रहे कि सर अगर आपका झूले में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग जाके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। आपको ये फिक्स करना पड़ेगा, ये बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हो, आप हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग किसी को भेजेंगे भी नहीं। तो ये सी चीज़ ना मेरे हस्बैंड को बहुत ही बुरा लगा था। लेकिन अमेजोन ने जब उन लोगों को बोला तो फिर वो लोग बोले कि ठीक है हम लोग किसी को भेजेंगे फिक्स करने के लिए। तो मेरा बोलना यही है कि अगर आप ये चीज़ आपको भी पसंद आया है, इसका कलर पसंद आया है, आप परचेज करना चाहते हो अमेजोन पे, तो दो तीन चीज़ों का ना ध्यान एकदम रखना कि अगर आपको पसंद आए तो ये आप ये चेक कर लेना कि आप उसको रिटर्न कर सकते हो या नहीं। और दूसरी बात, अगर वो चीज आपके पास डिलीवरी होता है तो आप उसको ओपन मत कीजिएगा। तो जब आप इसको परचेस कर रहे हो तब आप बोल देना कि ये जो झूला है हम लोग खुद फिक्स नहीं करेंगे, आपको किसी को भेजना पड़ेगा चीजों को फिक्स करने के लिए। तो दो तीन चीज ना पहले से आप क्लियर कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये कलर आपको चाहिए, ये झूला, यही झूला आपको चाहिए, बहुत सारे मतलब जैसे हम लोगों ने परचेस किया था, क्योंकि ब्लैक कलर हम लोगों को मतलब हम लोग यहाँ पे रखते हैं ना, तो कोई कोई ब्लैक कलर पसंद नहीं करता है, और ब्लैक कलर ना थोड़ा जगह को डार्क बना देता है, छोटा बना देता है। तो इसीलिए ब्लैक कलर हम लोगों को नहीं चाहिए था, हम लोगों को व्हाइट कलर में चाहिए था। तो वही मेरा बोलना है कि अगर आप सोच रहे हो इसको परचेस करने के लिए तो ये दो तीन चीजों का आप ध्यान रखिए। और ये जो झूला है 150 kg तक ये वेट ले सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी मुझे इसके बारे में कोई खराब नहीं लगता है। बस इसका जो स्टैंड है वो अगर थोड़ा सा मतलब मुझे मुझे लगता है कि वो एक तो सिंगल पीस में होना चाहिए था, या फिर ये भी हो सकता है कि ये अगर सिंगल पीस में होता तो वो डिलीवरी करने में बहुत मुश्किल होती शायद, या तो जिसने बनाया है उसको मतलब उन्होंने कुछ दिमाग लगा कर ही बनाया होगा। लेकिन ये थोड़ा मूव हो रहा है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये झूला जो है 150 kg तक वेट ले, और झूला जो है मेरी बेटी भी यूज करती है, तो मुझे लगता है कि ये इसके बारे में थोड़ा मतलब सेफ्टी होना चाहिए। और जब मेरी बेटी बैठती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आराम से यहाँ पे बैठ, लेकिन जब हम बड़े, मैं और मेरे हस्बैंड या कोई भी बड़े यहाँ पे बैठते हैं ना, तो पीछे का जो स्टैंड है थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए था। आपने देखा कि जब भी मैं इसको मूव कर रही हूँ ना, थोड़ा बहुत तो उसका भी मूवमेंट हो रहा है स्टैंड का, लेकिन स्टैंड को ना फिक्स रहना चाहिए। और अभी मैं रेडी कर रही हूँ स्वीट कॉर्न को, सुबह ही मैंने इसको उबाल के रख दिया था, और उसकी जो पानी था वो पानी के साथ ही एक बाउल में मैंने इसको रख दिया था, और इसको मैं अभी थोड़ा बहुत गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये गर्म गर्म खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और गर्म करने के बाद इसके साथ थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल के हम लोग खाएंगे, लेकिन इसके साथ रेड रेड जो पाउडर, रेड चिली पाउडर जो होता है वो भी अगर आप ऐड करो तो अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग नहीं डालते क्योंकि वो इतना अच्छा भी नहीं है मतलब हेल्थ के लिए। तो ओनली ब्लैक सॉल्ट डाल के ही हम लोग खा रहे हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरी बेटी भी खाती है, मतलब उसको इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं खिला देती हूँ तो खाती है। तो इसी तरह से अभी हम लोग खा रहे हैं 8 o'clock, तो डिनर में ऑब्वियसली थोड़ा लेट होगा, और डिनर के लिए मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, सुबह की गोभी की सब्जी है, तो वही हम लोग आज खाएंगे डिनर में। हे गाइस, तो कल सैटरडे का जो व्लॉग था वो मैं रात को एंड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं संडे मॉर्निंग को मैं ये वीडियो को ख़त्म करूँ, तो मैं इसलिए आ गई हूँ आप लोगों के सामने वीडियो को एंड करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।